अधिक उससे बढ़ता है, एमडीआरटी सीओटी क्योंकि उधर बढ़ता है, बाकी के छोटे क्लब होते हैं उनमें वो सुविधाएं नहीं मिलती जो सीएम को मिलती है। सीएम क्लब मेंबर में सारी सुविधा है, चाहे वो बेंगलोर में की बात बैठने की बात हो या सारी सुविधा है। तो सर आज आज एक डिसीजन आपको लेना होगा, हमें आपको जानना होगा कि आखिर मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। मैं आपको रिवाइज याद दिलाऊंगा कि कहाँ चूक हो रही है, आप उसको समझिएगा कि वास्तव में मैं चूक कर रहा हूँ। अगर कर रहा हूँ तो आज आपके पास समय सर अपने आपको कह सकते जी आपके LIC में सर 1990 ये तीन रेशो में अभी करता तीन ग्रुप में काम कर रहे था। ये 90% वो अभी करता है सर जिनका कोई ड्रीम नहीं होता है, जिनका कोई अच्छा टारगेट नहीं होता है और ना सही तरीके से काम कर पाते हैं। उनकी इच्छा हुई, उनकी मर्जी हुई तो बहुत अच्छा काम निकाल लेते सर, और इच्छा नहीं हुई तो अपने कुर्ते और डीओ साहब, अपने पीएम साहब या डीएम साहब या चेयरमैन साहब किसी की नहीं, वो केवल अपने मन के साथ काम करते सर। आज इनको जानना होगा कि हम कितनी बड़ी चूक कर रहे हैं। इनकी स्थिति वैसी है साहब जैसे समुद्र में एक विंग पीस होती है, मछली होती है जो पानी में तो रहती है साहब लेकिन फिर भी कैसी रहती है। मतलब 90% LIC के अभिकर्ता ऐसे हैं जो LIC आर्थिकता का मंदिर है, यहाँ पर पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ केवल में काम दिया जाता है, पैसे की कोई कमी नहीं होती है LIC के कार्यकर्ताओं को, लेकिन फिर भी इनकी स्थिति सर आर्थिक रूप से कमजोर रहती है, कमजोर रहती है। नहीं LIC का सही सुख सुविधा उसका बात है जी। बात करते हैं सर ये 9% की, ये 9% अच्छे काम करने वाले अभिकर्ता होते हैं LIC और ये होते हैं ZN और CM क्लब में। इन अभिकर्ताओं का भी अधिकांश अभिकर्ताओं का भी एक टारगेट होता है सर, ये टारगेट पे काम करते हैं, अधिकतर अभिकर्ता टारगेट पे काम करते हैं। उनका टारगेट क्या है कि कम से कम मेरी CM या ZN क्लब मेंबरशिप बची रहे, बची रहे, ये टारगेट। ये भी बड़ा ड्रीम या बड़ा कुछ करने की नहीं सोचते, प्लेटफॉर्म पे आके बस उसको मेंटेन करते सर। मेंटेन करना अच्छी बात है, ये भी एक अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन आज आप सोचिए सर क्या हम इसको क्रॉस करके आगे नहीं जा सकते, MDRT नहीं बन सकते सर। मैंने अभी 2 दिन पहले ब्रांच में आया था, यहाँ पे जैन साहब बैठे थे, जैन साहब के सामने एक MDRT अभिकर्ता बैठा था, खड़े थे तो मैंने सुना वो जोशी सर से हाथ मिला रहे थे कि उनकी टिकट शायद बुक हो गई अमेरिका जाने का, ऐसा कुछ। सर मैं ये कह रहा हूँ जैन साहब बैठे हैं या और अदर DO बैठे हैं, सभी एक सा एजुकेशन मोटिवेशन सभी अभिकर्ताओं को दे रहे हैं, सर का भी सपोर्ट सभी अभिकर्ताओं के लिए होगा, लेकिन कुछ कैसे काम निकाल के आगे बढ़ जाते हैं, कैसे अमेरिका जैसे देश विदेश में विदेश जाने की मतलब उनको मौका मिलता है। सर ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है, सबके लिए कंपनी के प्रोडक्ट एक है, सबको कमीशन सेम है, सेम फैसिलिटी है, सेम पॉलिसी है, ये अंतर कहाँ पे आ रहा है जी। ये अभिकर्ता भी इस पैनी से इधर जा सकते सर, ये 1% अभिकर्ता कौन है सर, ये 1% अभिकर्ता सर प्रोफेशनल अभिकर्ता, और ये ईमानदारी के साथ लक्ष्य बनाकर लगन लगाकर लगातार LIC का काम करते हैं। इनका विजन क्लियर होता है, मिशन की तरह लगे रहते हैं, और ये लोग MDRT COT और COT बहुत आगे बढ़े हैं, और इनके पास बहुत कुछ होता है, नाम दाम सम्मान सब कुछ होता है। LIC उन्हीं अभिकर्ताओं को मान सम्मान देती है साहब जो अभिकर्ता परिणाम देने वाले अभिकर्ता का ही LIC में हमें सम्मान होता है। तो मैं चाहूँगा सर आज आखिर ये चूक कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो हम अपने आप को जानें जी। मैं आज जानना चाहूँगा सर
तीन बातें वो जानना चाहूंगा सर तीन बातें आपके लिए जानना चाहूंगा। आपका शुभ नाम क्या है और सेकंड आप किसके अभी करता है? थर्ड इमरजेंसी लेने का उद्देश्य जी आपका आपसे बैठ के और इतनी जोर से बोलिए कि पीछे वाले सभी लोग सुन सके आपकी आवाज। आपका शुभ नाम क्या है, आप किसके अभी करता है, थर्ड बीमा एजेंसी लेने का उद्देश्य क्या है सर? सिद्धांत यही है, लक्ष्य यही है कि मैं अपने परिवार के लिए